दोस्तों हम सभी इंसान हैं और हर इंसान गलतियां करके ही सीखता है, इसीलिए गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने इस ह्यूमन बिहेवियर को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लेते हैं और इनकी गलतियों का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता। मानो इंसान ना होकर गलतियों का पुतला हो जो हर पल अपनी बैंड बजाने में तुला रहता है। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही मंद बुद्धि वाले लोगों से मिलवाने वाले हैं जो अपने आप को मुसीबत में डालने से कभी घबराते नहीं और पूरे स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इलेक्ट्रिसिटी पोल। दोस्तों आज से कुछ सालों पहले चेक रिपब्लिक में रहने वाली एक महिला ने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि उसने एक ऐसे नशे का इस्तेमाल किया जो दिमाग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। उसका नशा शराब से कई गुना ज्यादा घातक होता है और ऐसा नशा करने के बाद भला कौन होश में रहता है। और उसी बेहोशी की हालत में ये अपने घर से बाहर निकल आई, जहाँ पर ये एक बिजली के खम्भे के ऊपर चढ़ गई। और तो और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि ये बिजली के खम्भे को एक ब्रिज समझकर चढ़ गई थी। जी हाँ, ये पूरे 2 घंटे में लगातार 40 फुट लंबे पोल पर चढ़ गई और वहाँ पर मौजूद तारों को पकड़कर लटक गई। हमें पता है कि ये बात थोड़ी सी फिल्मी हो जाती है, लेकिन वाकई में इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस इलेक्ट्रिसिटी पोल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं। वरना ये इतना ऊपर तक चढ़ना तो दूर, उसको छूते ही करंट से जमीन पर ढह जाती। लेकिन ये खुशकिस्मती से बच गई और फिर रेस्क्यू टीम ने आकर इन्हें वहाँ से निकाल लिया। चिली बॉय। आप लोगों ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले इंसानों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने कुल्हाड़ी खुद खरीद कर अपने पैरों पर मारी हो? जी हाँ, सुनने में भले ये थोड़ा मजाकिया लग रहा है, लेकिन अब जिन जनाब से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। क्योंकि जहां लोग लाल मिर्च से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, वहीं इन्होंने ना सिर्फ खाने की सोची बल्कि इसे धुएं के जरिए अपने शरीर के अंदर लेने की भी सोची। जी हाँ, इन्होंने स्मोकिंग वेसल में लाल मिर्च डाल दी और उसके जरिए ये लाल मिर्च धुएं के साथ अपने अंदर लेते चले गए। हालांकि इन्होंने बहादुरी में तो ऐसा कर लिया, लेकिन बाद में इनकी पूरी हालत खराब हो गई, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कैसे ये तड़प रहे हैं। और जब इनसे ऐसे नहीं रहा गया तो ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि लाल मिर्च धुएं के जरिए इनके फेफड़ों में चली गई है, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदायक है। वो तो कहिए कि उसकी मात्रा अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो इतनी देर में ये मौत के घाट उतर चुके होते। ट्रांसपोर्ट फेल। दोस्तों जब कभी भी हमें किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना होता है तो हम उसे प्रॉपर किसी व्हीकल में अच्छे से बांध देते हैं और तब जाकर वो व्हील चलाने की सोचते हैं, क्योंकि ये बात तो हर किसी को पता है कि अगर सामान किसी चलती गाड़ी में रखा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग इतना उच्च कोटि का होता है कि वो खुद तो सुपरमैन का दूसरा वर्जन समझते हैं, तभी तो हर चीज को अपने हाथ से करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो जरा इन जनाब पर अपनी नजर डालिए जो सामान को पूरी तरह से बांधने के बजाय उसको पकड़कर चलती हुई गाड़ी में लेटे हुए हैं। लेकिन तभी अचानक से हवा चलती है और सामान गाड़ी से बहुत तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। वो तो शुक्र मनाइए कि महाशय उस समय उसके साथ में नहीं उड़े, वरना तो इनका अच्छा खासा कचुम्बर बन जाता। ट्रेन ट्रैक्स। अब जरा इस वीडियो को देखने के बाद तो जो लोग बैरियर को तोड़कर जल्दी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें अच्छा खासा सबक मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स जिसे ना जाने कहाँ जाने की जल्दी थी, वो अपनी कार को रोड पर बने ट्रेन के ट्रैक के ऊपर ले जा रहा था, तभी बैरियर लग गया। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये सामने वाला बैरियर लगने से पहले इस ट्रैक को पार कर लेंगे, पर बदकिस्मती से इनकी कार उसी ट्रैक के ऊपर फंस गई और पीछे से ट्रेन भी बहुत तेजी से आ रही थी। वहीं अगर इस सिचुएशन में इनकी जगह कोई समझदार इंसान होता तो अपनी कार छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता, लेकिन इन्हें तो अपनी कार बहुत ज्यादा प्यारी थी इसलिए ये कार से निकलना नहीं चाह रहे थे। वो तो शुक्र मनाइए कि तभी एक शख्स आकर बैरियर को ऊपर कर देता है, जिससे ये अपनी कार को आगे बढ़ा लेते हैं, वरना तो पता नहीं इनकी कार तो जाती और ये बच पाते या नहीं, कोई नहीं जानता। प्लेन राइड। दोस्तों नॉर्मली अगर किसी शख्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से वाहन का टिकट खरीदेगा, फिर चाहे वो ट्रेन हो या प्लेन, और फिर उस पर बैठकर दूसरी जगह जाने की सोचेगा। लेकिन कुछ लोगों का आइडिया थोड़ा हटके होता है, तभी तो वो प्लेन की सीट को छोड़कर एरोप्लेन के विंग में बैठकर सफर करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इस तरह के नमूने हमारी दुनिया में पाए जाते हैं। और अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जरा इस वीडियो पर अपनी नजर डालिए। ये नजारा नाइजीरिया की लागोस एयरपोर्ट का है, जहाँ पर ये शख्स प्लेन के विंग्स पर जाकर बैठ गया। वो तो सही वक्त पर पायलट की नजर पड़ गई और तुरंत इसको पकड़ लिया गया, वरना कहीं अगर ये प्लेन टेक ऑफ कर जाता तो ये जनाब भी अपनी बहादुरी में इसी दुनिया से टेक ऑफ कर जाते। बॉम्ब। वैसे कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच्ची है कि दुनिया के जितने भी बेवकूफ हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी नजर में उनके मुकाबले कोई शख्स होता ही नहीं है। दोस्तों सन 2018 में अमेरिका के एक शहर में पुलिस को ये खबर मिली कि शहर के एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक बैग के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने वो पूरा इलाका अच्छे से चेक किया और उन्हें एक लावारिस बैग मिला।
और फिर पुलिस ने उस बैग के आसपास का एरिया पूरी तरह से सील कर दिया। उसके बाद पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के आने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक जनाब अपनी बहादुरी दिखाने पहुँच गए और उन्होंने बैग खोलकर उसे चेक करना शुरू कर दिया। वो तो खुशकिस्मती से उस बैग के अंदर कुछ निकला नहीं, जिससे इनके साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग बच गए। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बिना किसी सेफ्टी की बेवकूफी करने की कोशिश की, उसे देखते हुए ये पक्का लग रहा है अगर ये ऐसे ही करते रहे तो एक दिन अपने साथ साथ अपने आसपास वाले लोगों को भी ले डूबेंगे। ट्रैकर टायर। अब अगर आप लोगों ने कभी ट्रैक्टर देखा है तो ये तो तय है कि आप लोगों ने उसके टायर का साइज भी देखा होगा, जो कि इतना बड़ा होता है कि इंसान भी उसके अंदर आराम से फिट हो सकता है। हालांकि ये चीज सिर्फ कहने में ही अच्छी लगती है, क्योंकि अगर असल में किसी इंसान को ट्रैक्टर के टायर के अंदर डाल दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, ये कोई भी खिलवाड़ करने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी हरकतों से कहां बाज आते हैं और इसी तरह की बेवकूफी भरी हरकत करके अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं, जैसे कि इन लोगों ने किया, जहां इन्होंने अपने एक दोस्त को ट्रैक्टर के टायर के अंदर पूरी तरह से डालकर उसे रोल करने लगे, जिसके बाद ये टायर घूमता घूमता खाई से नीचे चला गया। और अगर ये इसी तरह घूमता रहा तो ट्रैक्टर के टायर के साथ साथ उसके अंदर मौजूद शख्स भी इस दुनिया से बाय बाय कह देता। वो तो एक पेड़ से टकरा गया, जिस वजह से शख्स की जान बच गई, वरना तो इनका प्लान इतना ज्यादा घटिया था कि शायद ये कभी बच पाते। कैचिंग ऑक्टोपस। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी फिशिंग की है तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि समुद्र या फिर किसी नदी के किनारे खड़े होकर मछलियां पकड़ना काफी ज्यादा मजेदार होता है, और उसके साथ ही कई बार मछलियों के साथ साथ कई अन्य समुद्री जीव भी फंस जाते हैं। अब जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले शख्स के बारे में जान लीजिए, जो अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने के लिए आए थे, लेकिन इनके कांटे में मछली की जगह एक ऑक्टोपस फंस गया और उस ऑक्टोपस को वापस पानी में फेंकने के बजाय ये उसके साथ खेलने लगे। लेकिन ये बेवकूफ लोग ये नहीं जानते थे कि वो ऑक्टोपस कोई साधारण ऑक्टोपस नहीं था, बल्कि ब्लू रंग ऑक्टोपस था, जो इतना ज्यादा जहरीला होता है कि एक बार में 26 लोगों को आराम से मार सकता है। वो तो इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि उसने इनको काटा नहीं, वरना इनका सारा मजा सजा में बदल जाता। स्विमिंग। अब गर्मी के मौसम में ठंडे पानी में नहाना किसे नहीं पसंद, और ज्यादातर लोग गर्मी के मौसम में स्विमिंग करके अपने आप को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब गर्मी लगने पर एक शख्स दुनिया के सबसे बड़े डैम में से एक डैम में जाकर नहाने की सोचे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन नोवाडा के एक शख्स ने ऐसा ही किया। वो एक डैम में नहाने चला गया, ये जानते हुए भी कि इस डैम में डूबकर 300 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जनाब आधे घंटे तक इस डैम के अंदर नहाते रहे और अंत में सिक्योरिटी वालों ने इनको पकड़ लिया। वो तो इनकी खुशकिस्मती थी कि इस डैम के अंदर की 9 हाइड्रोलिक टर्बाइंस बंद की गई थी, जिसमें से एक दो भी अगर चलती तो इनकी बॉडी भी ना मिल पाती। लेकिन अंत में ये बच गया और इससे $300 का फाइन लेकर इसको छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।